बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर नेशनल और इंटरनेशनल कॉटन रेट्स अपडेट किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है। इस वक्त सेंट 113.05 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें 0.35 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है और ये 0.31% बनता है। कल इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट नज़र आई थी, तो उसके बाद अब इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल मार्केट बहाल हो रही है। कल इंटरनेशनल मार्केट 112.70 सेंट पे बंद हुई थी और आज सुबह 112.78 पे, यानी ज़रा तेज़ी के साथ ये ओपन हुई थी। और दिन में ये 112.43 से 113.37 तक ट्रेड करती रही है। कपास का रेट आज जुमा होने की वजह से मकामी मार्केट बंद है, तो कपास का रेट पंजाब में 11,000 तक और बलूचिस्तान में 11,500-600 तक जो है वो सामने आया है रेट, और सिंध में 8,000 तक रेट है कपास का। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद तेज़ी आ गई तो कल मकामी मार्केट में भी इसका असर नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे और हमारे रिस्क में बरकत डाले। आमीन। बहुत शुक्रिया।